दोस्तों आज हम अपनी इस क्विज एप्लीकेशन में कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ आंसर्स लेकर करें। जैसे हमने कहा कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो, फिर नेक्स्ट हमें केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर मिल गया, तो हमने कहा H2O। अब गलती से किसने प्रीवियस दबाया, तो हम चाहते हैं कि जो आंसर यूजर ने सेलेक्ट किया था वो आंसर कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहे। तो अगर आप मेरे डीबग विंडो में देखें तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज -99 रखी थी। हालांकि हम कुछ भी नेगेटिव वैल्यू रख सकते थे, लेकिन -99 का मतलब था कि वो अभी क्वेश्चन में देखा नहीं है। जिन जिन क्वेश्चन को हम देख चुके हैं हम उनका इंडेक्स पोजिशन स्टोर करें कि कौन कौन सा हमने चेकबॉक्स चेक किया था। तो पहले क्वेश्चन का हमने चेकबॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट किया था, सेकेंड क्वेश्चन का हमने चेकबॉक्स नंबर 3 स्टोर किया था। तो हमने काफ़ी दिन पहले लिस्ट पढ़ा था, हमने लिस्ट का यूज़ किया हुआ है। फिर हमने नेक्स्ट कहा, माना कि हमने यहाँ पे चालू सेलेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल हमने कहा नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर हो गया कि तीसरे क्वेश्चन के हमने सभी ऑप्शन को ऑप्ट किया हुआ है। हम अपने आंसर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इनको अनचेंज कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया। अच्छा ये एम्प्टी क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो -99 का मतलब है कि वो क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है, और एम्प्टी का मतलब कि हमने आंसर नहीं किया उसका, यानी एम्प्टी छोड़ा हुआ है। और फिर फिनिश बटन आ गया दोस्तों। हमने फिनिश पे क्लिक किया तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि हमने क्या क्या आंसर दिए हुए हैं। तो हमने किस किस का आंसर नहीं दिया अभी तक, इन दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, तो इनका आंसर हम कर सकते हैं। अब देखिए पूरी लिस्ट भर गई है। तो जैसा आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो हमने नेविगेशन बटन पे किया हुआ है और साथ शो क्वेश्चंस में। तो चलिए टॉप से कोडिंग देखना शुरू करें। हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया, जैसा कि हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में रूट पैरामीटर पास किया, यानी पेरेंट्स, और पेरेंट को हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है जिससे कि हम क्लोज कर पाए। जितने भी यूआई फील्ड्स हम उन यूआई फील्ड्स के हमें वैल्यू बना के रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर का टेक्स्ट, क्यूआईडी का टेक्स्ट, क्वेश्चन का टेक्स्ट। चेकबॉक्स के लिए हमने बुलियन वेरिएबल यूज किया क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट बना के रखी हुई है, empty list to store what checkboxes are checked by user। तो अभी जो मैं आंसर दे रहा था वो आंसर इस कारण से आ रहे थे फ्रेंड्स। हमने एक वेरिएबल बनाया था रिकॉर्ड्स को नन, जो भी हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स लेंगे वो इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। हमने बाय डिफॉल्ट पोजीशन को -1 रखा है, और ये हम किसके लिए यूज करेंगे, प्रीवियस नेक्स्ट फिनिश के लिए। हम सभी जानते हैं कि हमें यूआई डिजाइन करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे यूआई डिजाइन किया है। तो पहले हमने लेबल में रखा है क्विज फ्रेम, फिर हमने रखा है क्वेश्चन नंबर, फिर एंट्री फील्ड हमने बनाई हो जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले कर पाएँ, फिर हमने क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बनाया है, फिर हम चेकबॉक्सेस बनाए जिनका हम नाम दिया है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और इनको वेरिएबल से लिंक किया हुआ है, ऑप्शन 1 टेक्स्ट, ऑप्शन 2 टेक्स्ट। इसी तरह से हमने 3 बटन बनाए थे, प्रीवियस, नेक्स्ट और फिनिश। UDF to load questions from database table into variable self.records। तो हमने एक फंक्शन बनाया था जिससे कि हम क्वेश्चंस को लोड कर पाए। अभी मैं केवल GK को लोड कर रहा हूँ,
अभी हमने हार्ड कोडिंग की जीके को, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से हम जीके हटा देंगे, कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे, कॉम्बो बॉक्स में जो सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। Check if some questions are available. जैसे कि आपने देखा कि हमने फंक्शन कॉल किया था लोड क्वेश्चंस, तो लोड क्वेश्चंस का काम है क्वेश्चंस को लोड करना। बाय चांस अगर क्वेश्चंस लोड हो गए तो लेंथ ग्रेटर देन जीरो आएगी, मिस फाउंड। अब अगर हमें रोज मिल गई हैं तो हम चाहेंगे एक लिस्ट बन जाए एग्जैक्टली उसी साइज की जिस साइज की नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्रिएट लिस्ट ऑफ साइज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जितने क्वेश्चंस हैं उतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। -99 मीन्स क्वेश्चंस आर अनविजिटेड। भाई जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं अभी विजिट नहीं किया होता है। तो काफ़ी दिन पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई का कंसेप्ट सिखाया था, जैसे हमने लास्ट टाइम काफ़ी पहले हमने किया था एक कंसेप्ट, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑल इज वेल मल्टीप्लाई बाय 3, तो तीन बार ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल आ गया था। वैसे ही जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं दोस्तों तो लिस्ट में भी हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे देखिए एक लिस्ट बन गई साइज 9 की जिसमें डेटा नन स्टोर हो गया, तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम में हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें बाय डिफॉल्ट -99 स्टोर हो। सेट इंडेक्स पोजिशन टू 0, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारा पोजीशन रहे। डिस्प्ले द क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द क्वेश्चन इन यूआई, तो हमने एक फंक्शन बनाया था शो क्वेश्चंस काफी दिन पहले जिसका काम था क्वेश्चंस को शो करना। जहां भी मैं यहां प्रिंट लिख रहा हूं उसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, डीबगिंग पर्पस। तो अभी हाली फिलहाली हम चाहे तो उसको हटा सकते हैं, और अंत में हमने फाइनली फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया, फाइनली डिस्प्ले द फ्रेम। तो हमारा जो फ्रेम था वो डिस्प्ले हो गया। अब हमने यहां पे एक लोड क्वेश्चन फंक्शन बनाया था, डेफिनेशन ऑफ UDF तो हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर आप एक सिलेक्ट क्वेरी बनाइए जिसमें वो क्वेश्चंस पिक हो जाए जो कैटेगरी हमने यहां से पास की हुई है, तो वो कैटेगरी हमने यहां से पास कर ली। थोड़े पहले सेल्फ डॉट रिकॉर्ड्स नन था, लेकिन हमने यहाँ पे सिस्टम से कहा कि सेल्फ डॉट रिकॉर्ड्स में जो भी डेटाबेस कनेक्शन में रिकॉर्ड्स है वो सिलेक्ट होकर आ जाए। बाय चांस अगर रिकॉर्ड्स नन आए तो मीन्स कोई कैटेगरी अवेलेबल ही, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी सभी केसेस में हमने रैंडम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया था और क्वेश्चंस को शफल किया था जिससे कि क्वेश्चंस रैंडम ऑर्डर में आ जाए। डिसेबल प्रीवियस बटन सिंस वी आर एट फर्स्ट रिकॉर्ड, जब हम पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उस केस में प्रीवियस बटन को दिखना ही नहीं चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, तो इसे रन करते हैं। आप देखिए प्रीवियस बटन डिसेबल्ड है क्योंकि हम पहले क्वेश्चन पे, तो हम चाहते हैं कि जब हम रन करें तो पहले क्वेश्चन पे प्रीवियस डिसेबल्ड रहे। अभी एक्टिवेट कब होगा, जब हम नेविगेशन करेंगे, तो देखिए एक्टिवेट हो गया।
तो काफ़ी दिन पहले हमने सीखा था कॉन्फिगर में स्टेट डिसेबल्ड और नॉट डिसेबल्ड। नॉट डिसेबल करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट बटन कब डिस्प्ले होगा, जब कम से कम हमारे पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। हम डिसेबल करना चाहेंगे नेक्स्ट बटन को अगर एक ही बटन होगा, तो हमने सिस्टम से कहा कि अगर रिकॉर्ड की लेंथ एक ही है तो उसके इसमें नेक्स्ट बटन भी डिसेबल्ड रहे। और हमने सिस्टम से कहा सिस्टम अगर एक से अधिक रिकॉर्ड्स हैं तो उसके इसमें फिनिश भी डिसेबल रहे। क्यों? क्योंकि जब तक हम अंतिम क्वेश्चन पे ना आ जाएं, हम चाहते हैं कि फिनिश बटन डिसेबल रहे। तो जब तक हम अंतिम क्वेश्चन पे नहीं आ जाएंगे दोस्तों, तब तक देखिए डिसेबल रहेगा। अब हमने एक फंक्शन बनाया था टू डिस्प्ले क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ UDF टू शो क्वेश्चंस इन UI। तो हमारा जो UI है उसमें क्वेश्चन शो होगा। पोजीशन जो है इंडेक्स जीरो पे बेस्ड है जबकि क्वेश्चन नंबर वन पे बेस्ड है, तो हम चाहते हैं कि जो भी इंडेक्स पोजीशन प्लस वन होकर शो हो। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट UI पे वर्क कर रहा है। अब टेक्स्ट विजिट में हमें एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना पड़ता है और फिर नया डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। कंपनीज में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन मिटा दूँ तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी कि यहाँ पे मैंने लॉजिक क्यों अप्लाई किया। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी भी डाउट होगा तो डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट से आपको हेल्प करेगा कि मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब यहाँ डेट लिखी हुई है, मैंने आज लॉजिक बनाया है। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम चेकबॉक्सेस को मार्क कर पाएं। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया OPTS, हालांकि मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ। पहले मैंने इसे ऑपरेट रखा था तो इसे वापस ऑपरेट कर देते हैं। क्योंकि हमेशा हमें मीनिंगफुल वेरिएबल्स देने चाहिए जिससे कोडिंग को समझने में आसानी हो। अब ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ओके ना, वर्क कर रही है। तो हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया opted जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट का करंट इंडेक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने क्या किया, इन लोकल वेरिएबल opted वी आर असाइनिंग opted वैल्यू ऑफ यूजर एट करेंट इंडेक्स पोजिशन। मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम अभी जिस क्वेश्चन पे हम हैं उस क्वेश्चन की opted वैल्यू को पिक करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि opted की वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई हुई है। तो मैं आपको ये रन करके दिखा रहा हूँ, आपको वैल्यू शो होंगी। बाय डिफॉल्ट opted -99 है। अब देखिए जैसे ही मैंने पहले क्वेश्चन को आंसर किया तो देखिए इस इंडेक्स पे 1 आ गया है, बाकी सब पे -99 है। अब देखिए पोजीशन 1 है, अब ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है। अब जैसे ही प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो पोजीशन 0 हो जाएगी ना, इंडेक्स 0 हो जाएगा। और अगर हम ध्यान दें तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू 1 है, यानी पहला चेकबॉक्स चेक्ड है। इस कारण से देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। देखिए इसके हमने लॉजिक क्या बनाया, इसके लिए हमारे पाइथन में एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं फाइंड फंक्शन। यूज फाइंड फंक्शन टू चेक इफ वन इज अवेलेबल इन opted।
हम जानते कि पहला चेकबॉक्स तभी चेक होगा जब उसमें वन सिलेक्टेड होगा, क्योंकि वन का मतलब कि हमारा पहला आंसर सही है। अच्छा, इसको क्या हम कुछ अलग तरह से लिख सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम दूसरे तरह से लिखें। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और दूसरे तरह से यहाँ पे हम इसे लिखते हैं। हम लिखते हैं टू इन ऑप्टेड। तो जो काम हम फाइंड से कर रहे हैं वो इन से भी किया जा सकता है। तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। हम पहले क्वेश्चन का आंसर वन टू दे देते हैं और फिर नेक्स्ट कहते हैं और फिर प्रीवियस कर रहे हैं। तो आप देखिए ये अभी भी वर्क कर रहा है, हालांकि हमें यहाँ पे ये ऑप्शन पिक करना था। अब देखिए वर्क कर रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि फाइंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ दिन पहले सीखा था। अब जैसे पहले चेकबॉक्स के लिए वन है, वैसे ही सेकेंड चेकबॉक्स के लिए टू है। फॉर सेकेंड चेकबॉक्स चेक फॉर वैल्यू टू, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड चेकबॉक्स उसके लिए वर्क करेगा। अब इसी तरह से थर्ड चेकबॉक्स में वैल्यू थ्री चेक की है, अब ऐसे ही फोर्थ चेकबॉक्स में फोर को चेक किया है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स कैसे डिसाइड किया? हम लिखे हैं opt.findIt को, इसको मैं आपको शेल विंडो में करके दिखाना चाहूँगा। मान लो opt की वैल्यू है 13 और हम कंप्यूटर से सवाल पूछ रहे हैं क्या opt.find 1, तो आंसर आ रहा है 0, मीन 0 इंडेक्स। तो हम लिख रहे हैं opt.find 1 ग्रेटर देन माइनस वन, क्योंकि नॉट फाउंड का मतलब था माइनस वन। तो देखिए ट्रू आ रहा है, हमने देखिए यहाँ पे कोडिंग की हुई थी ऑप्टेट डॉट फाइंड वन ग्रेटर देन माइनस वन, तो सिस्टम कह रहा है ट्रुथ, क्योंकि हम जानते हैं कि किस इंडेक्स पे बने, जीरो इंडेक्स पे। अब ऐसे ही मैं ऑप्टेट से पूछ रहा हूँ कि फाइंड करो टू है या नहीं। हम जानते कि टू नहीं हो इसमें, नहीं है तो वैल्यू क्या रही है माइनस वन। अब क्या माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन होता है? तो आ जाएगा फॉल्स। तो टीचर ने कंडीशन कुछ इस तरह से बनाई है कि हमें आंसर ट्रुथ में या फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। अब हम यही काम इससे भी कर सकते हैं, थ्री इन ऑप्टेड, तो आंसर मिल रहा है ट्रू। टू इन ऑप्टेड, तो आंसर मिल रहा है फॉल्स। तो जहाँ जहाँ ट्रू मिलेगा वहाँ पर चेकबॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, जहां जहां फॉल्स मिलेगा वहां पे चेकबॉक्स अनचेक्ड हो जाएगा। अब हमने यहां पे कोडिंग बनाई थी, नेक्स्ट प्रीवियस और फिनिश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए UDF टू परफॉर्म नेक्स्ट प्रीवियस ऑपरेशंस। तो यहां पे दो पैरामीटर थे, सेल्फ और एन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सभी बटन को डिसेबल कर दिया। तो लिखा हुआ है अनकंडीशनली डिसेबल ऑल बटन्स, वी अप्लाई इफ कंडीशन टू डिसाइड विच बटन टू बी एनेबल्ड। तो सबसे पहले टीचर ने क्या किया, यहां पे जितने भी बटन्स हैं उनकी कॉन्फिगर में स्टेट कर दी डिसेबल्ड। तो सभी के सभी बटन डिसेबल्ड हो गए। हम जानते कि एन इक्वल टू वन किसके लिए है, फॉर प्रीवियस बटन, क्योंकि हमने लैम्डा ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू वन देकर रखी हुई थी। सिस्टम से हम कहें कि सिस्टम अगर पोजीशन ग्रेटर देन जीरो हो तो पहले तो करंट आंसर को स्टोर कर लो, स्टोर करंट आंसर ऑफ क्लाइंट इनसाइड ऑप्टेड लिस्ट। आपका तो हमने अभी लिस्ट बनाई थी ऑप्टेड। तो सिस्टम से हम करें कि सिस्टम जो भी हमारी करंट लोकेशन है उस लोकेशन का आंसर स्टोर हो जाए।
Now update value of position. डिक्रीज बाय वन. हम जानते हैं कि जब भी हम प्रीवियस करते हैं तो दोस्तों पोजीशन डिक्रीज बाय वन हो जाती है. जैसे आपको मैं रन करके दिखाना चाहूंगा, बाय डिफॉल्ट पोजीशन जीरो थी, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट कहते हैं तो पोजीशन वन हो जाती है. मैं फिर से प्रीवियस क्लिक कर रहा हूं, और जैसे मैं प्रीवियस क्लिक करूँ तो पहले आंसर शुरू होगा. देखिए यहाँ पे भी -99 है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ आंसर क्लिक करूँगा और प्रीवियस कहूँगा, देखिए दो काम होंगे. एक तो ये आंसर स्टोर हो गया, साथ देखिए पोजीशन घट के अब जीरो हो चुकी है जबकि पहले वन थी. तो यही हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है. मैंने सिस्टम से कहा कि एक तो आप आंसर स्टोर करें, ये आंसर स्टोर हो गया यहाँ पे, ये स्टोर आंसर नहीं किया हुआ है, और साथ पोजीशन जीरो हो गई. और फिर लिखा है शो क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाए. डिस्प्ले क्वेश्चन इन यूआई फील्ड, तो जो भी हमारा करंट क्वेश्चन होगा वो यूआई फील्ड में दिख जाएगा. अब जैसा हमने प्रीवियस में किया सेम वैसा ही नेक्स्ट में है. हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम अगर हमारी पोजीशन लेजिट लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स -1 है, यानी टोटल रिकॉर्ड से कम है, तो पहले तो हम चाहेंगे आंसर स्टोर हो जाए, जैसा हमने यहाँ पे किया था. यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज बाय वन हो जाएगी, और साथ साथ हम चाहेंगे कि क्वेश्चन शो हो जाए. तो टेक्निकली जो कोडिंग प्रीवियस की है वही कोडिंग नेक्स्ट की है, बस अंतर है कि यहाँ पे -1 परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम +1 परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर फिनिश बटन, हम चाहते हैं कि जैसे कोई फिनिश पे क्लिक करे तो पहले तो वो आंसर स्टोर हो जाए. फिर हमने सीखा था यस नो डायलॉग बॉक्स, तो यस नो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और अगर हमारा आंसर यस होगा, अगर हमारा आंसर एग्जैक्टली ट्रू होगा, तो हम चाहेंगे कि रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए. इफ यूजर प्रेस वन, इफ यूजर या क्लाइंट प्रेस वन या यस बटन, देन कैलकुलेट रिजल्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्लाइंट को रिजल्ट शो करनी है. बाय चांस अगर वो नो प्रेस करता है तो उसके इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. पहले क्या है, बाय डिफॉल्ट सभी बटन से एनेबल्ड थे, लेकिन हम यहाँ पे नया लॉजिक ऐड कर रहे हैं, एनेबलिंग डिसेबलिंग बटन्स. तो हम चाहते कि जैसी हमारी पोजीशन उसके बेसिस पे बटन्स एक्टिवेट हो जाएं. अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 है, मींस हम पहले रिकॉर्ड पे नहीं है, तो उस केस में हम चाहेंगे कि प्रीवियस बटन जो पहले डिसेबल्ड था वो नॉट डिसेबल्ड हो जाए. मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा कि जब जब पोजीशन ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में प्रीवियस बटन एक्टिवेट हो जाएगा. हमने इसे रन किया, अभी ये डिसेबल्ड है, और हमने जैसे ही इसको किया तो देखिए पोजीशन 1 हो गई जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो प्रीवियस बटन एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सिस्टम में कि जब जब पोजीशन ग्रेटर देन 0 हो तो उसके इसमें प्रीवियस बटन एक्टिवेट हो जाए. अच्छा, नेक्स्ट बटन कब एक्टिवेट होगा, जब पोजीशन नंबर ऑफ रिकॉर्ड से कम होगी तो नेक्स्ट बटन भी एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये नेक्स्ट बटन भी एक्टिवेटेड है. और अंत में हमने सिस्टम से कहा था कि सिस्टम एग्जैक्टली अगर हम लेंथ -1 पे पहुंच जाए, यानी अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच जाए, तो उसके इसमें फिनिश बटन भी एनेबल्ड हो जाए, नॉट डिसेबल्ड हो जाए. अब देखिए करके देखते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. अब हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं, इस कारण से नेक्स्ट बटन डिसेबल हो गया लेकिन फिनिश एक्टिवेटेड है. और जहां भी मुझे डीबगिंग करनी होती है वहाँ हमने प्रिंट करके रखा हुआ है फॉर डीबगिंग, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर को बेचेंगे तो ये लाइन हटा देंगे.
अब हमने एक फंक्शन बनाया दोस्तों जिसमें हम लिस्ट को अपडेट करेंगे ना, स्टोर करेंगे आंसर्स को, जैसे आपको मैं फिर से रंग के दिखाना चाहूंगा। पहली बार ये सभी चेक बॉक्सेस अनचेक्ड रहेंगे, लेकिन यूजर कुछ ना कुछ तो आंसर सेलेक्ट करेगा। तो हम चाहेंगे कि जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएं तो पिछले क्वेश्चन का आंसर स्टोर हो जाए। अब पिछले क्वेश्चन का आंसर हमें क्यों स्टोर करना जरूरी है कि कभी ना कभी हम प्रीवियस क्लिक करेंगे। अगर हमें ऐसा लॉजिक नहीं आता होता तो हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो अनचेक्ड रहते, यानी ऐसी सिचुएशन में रहते। जबकि हम चाहते हैं कि जैसे हम प्रीवियस पे क्लिक करें तो जो जो अपने आंसर सेलेक्ट किए थे वो शो होते रहे। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर हमें शो रहे हैं लिस्ट में। तो कैसे इसको मैं अचीव किया, सबसे पहले मैं एक लोकल वेरिएबल बनाया एम्प्टी स्ट्रिंग और सिस्टम से पूछा कि कहीं पहला चेकबॉक्स चेक्ड तो नहीं है। अब पहला चेकबॉक्स चेक्ड है तो ऑप्टेड में मैं वन को ज्वाइन कर दिया, ने कॉन्केट कर दिया। अब जिस तरह से मैं पहले चेकबॉक्स को चेक किया वैसे मैंने सेकंड चेकबॉक्स को चेक किया, थर्ड चेकबॉक्स को चेक किया और फोर्थ चेकबॉक्स को चेक किया। जहाँ जहाँ चेक्ड थे वो कॉन्केट हो गए। जैसे अगर मैं चारों चेक करूँ दोस्तों, जैसे अभी आप लोगों के लिए मैं चारों चेक कर रहा हूँ तो चारों में ट्रू मिलेगा। इस कारण से देखिए मेरी लिस्ट में 1, 2, 3, 4 स्टोर हो गया। अब मैं वापस इनमें से केवल 2 और 3 को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट कहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2, 3 दिख रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि जो जो चेकबॉक्स चेकड होगी वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फाइनली हमने एक लिस्ट बनाई थी तो हम चाहते कि जो भी ऑप्टेड की वैल्यू है वो लिस्ट ऑफ ऑप्टेड वेरिएबल्स पे जाके स्टोर हो जाए। तो जो भी हमारी करंट पोजीशन है वहाँ पे ऑपरेट स्टोर हो जाएगा। और हमेशा की तरह मुझे कोडिंग में बग ढूंढने होते हैं, इस कारण से मैं उनको प्रिंट करवाता रहता हूँ। हालांकि आईटी इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो फंक्शन का नाम भी लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे इनसाइड स्टोर आंसर्स। जैसे कि अगर हमें कहीं बग ढूंढने में दिक्कतें आए तो मैसेज से पता चल जाए। देखिए हम जब इसे रन करेंगे तो कुछ मैसेजेस भी आते रहेंगे। तो ये देखिए हमें शो हो रहा है कि हमने क्या ऑप्ट किया था। तो फ्यूचर में जब भी आपकी कोडिंग प्रॉपरली बिहेव ना करे तो डीबगिंग से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और फिर आप अपनी कोडिंग को करेक्ट कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल अभी मुझे स्लैंग की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं डिसेबल कर देता हूँ या हटाई देते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने फिनिश पे एक फंक्शन कॉल किया था कैलकुलेट रिजल्ट, जो कि अभी हमने कोड नहीं किया है। तो हमें अब कोडिंग करनी पड़ेगी कैलकुलेट रिजल्ट की, कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट हो। तो हमें अब यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट हो। दोस्तों अब हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे कोडिंग में। जब कोई यूज़र फिनिश पे क्लिक करे तो हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही फिनिश पे क्लिक करे तो हमें रिजल्ट मिल जाए। अब रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम कुछ आंसर सही देंगे, कुछ गलत आंसर्स और कुछ आंसर्स नहीं करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कोडिंग प्रॉपरली वर्क करे या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो ने सही आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन का हम गलत आंसर देंगे, थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देंगे। और देखिए जैसे जैसे मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ वैसे वैसे लिस्ट में दिखती जा रही है कि पहले का मैंने आंसर 3 दिया, दूसरे का मैंने आंसर 1 दिया, तीसरे का मैंने आंसर क्योंकि नहीं दिया तो ये एम्प्टी दिखा रहा है एलिमेंट। -19 का मतलब कि अभी हमने ये क्वेश्चन देखे ही नहीं है। तो अब अगला पूछ रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रीलंका की राजधानी, तो हमने कहा कोलंबो, यानी हमने इसका आंसर दे दिया। फिर अगले का आंसर हम गलत दे देंगे और फिर अंतिम क्वेश्चन को हम अटेंड ही नहीं करेंगे। यस अब देखिए मेरी लिस्ट क्या थी,
मेरी लिस्ट थी 3 1 empty 1 4 empty, यानी मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया 3, दूसरे का आंसर 1, तीसरे का मैंने आंसर नहीं दिया, चौथे का 1, पांचवे का 4 और अंतिम का empty. अब ये एक्चुअल रिजल्ट दिखा रहा है कि एक्चुअल आंसर क्या था. तो पहले का 3 था, मैंने 3 आंसर किया है. दूसरे का आंसर था 4, लेकिन मैंने 1 आंसर किया है. तीसरे का आंसर था 3, लेकिन मैंने आंसर ही नहीं किया. अगले क्वेश्चन का आंसर 1 था, मैंने 1 आंसर किया हुआ है. अगले क्वेश्चन का आंसर 2 था, लेकिन मैंने 4 आंसर किया है. और अगले का 3 था, लेकिन मैंने आंसर नहीं किया. तो टोटल कितने करेक्ट आंसर हैं? एक तो ये करेक्ट आंसर है, दूसरा ये करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर करेक्ट वैल्यू होगी 2. अब कौन कौन से 2 रॉन्ग हैं? ये रॉन्ग है दोस्तों, आंसर था 4, जैकबी ने 1 दिया, ऐसे ये रॉन्ग है. मैंने दिया 4 जबकि आंसर था 2. अच्छा, नॉट आंसर 2 क्यों आना है? क्योंकि देखिए ये एम्प्टी है. कभी कभी क्या हमारा एग्जाम छूट जाता है, जैसे अगर 200 क्वेश्चन होते तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते, तो एम्प्टी रह जाए तो भी नॉट आंसर्ड, और -99 रह जाए तो भी नॉट आंसर्ड. क्योंकि -99 का मतलब है कि क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए, जबकि एम्प्टी का मतलब है कि क्वेश्चन हमने देखा तो था, लेकिन हमें सूझ नहीं रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो टीचर ने इसी लॉजिक के बेसिस पे कोडिंग की है. यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट रिजल्ट. हमेशा की तरह हमने डीबगिंग करने के लिए कुछ यहाँ लाइन लिख दी, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑप्टेड. क्योंकि कभी कभी क्या कि हमारी कहीं और बग होते हैं जिस कारण से प्रॉपर कोडिंग वर्क नहीं करती है. इनिशलाइज वेरिएबल्स विद 0, टू कंप्यूट रिजल्ट. तो 3 चीजें हमने यहां पे डिफाइन किए, क्या करेक्ट 0, रॉन्ग 0, नॉट आंसर्ड 0. साथ साथ में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है पोजिशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम किस क्वेश्चन से कैलकुलेशन परफॉर्म करें. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से कैलकुलेशन परफॉर्म करें, तो पोजीशन 0 रखा. ट्रेवर्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग फॉर लूप. हम जानते हैं कि फॉर लूप की बड़ी अच्छी विशेषता है कि फॉर लूप में हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. तो सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम जितने भी क्वेश्चंस यूजर ने फेस किए वो 1 by 1 आर में आ जाएं. अब कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टेबल हैं इसमें कंसेप्ट चलता है इंडेक्सिंग का. तो करंट क्वेश्चन का 8th कॉलम करंट रिकॉर्ड का 8th कॉलम में चाहिए, और हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से शुरू होती है, इस कारण से हमें यहाँ पे 7 देना पड़ा. इस पोजीशन को हम यहां मूव कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको. तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप ऐसा कीजिए कि आंसर नाम के वेरिएबल में हमारे करंट रिकॉर्ड का 7th इंडेक्स स्टोर कर लीजिए, जो कि एक्चुअल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली इन ऑप्टेड वेरिएबल स्टोर आंसर गिवन बाय द क्लाइंट. तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम ऑफ ऑप्टेड में आंसर स्टोर कर लिया. हालांकि लोकल वेरिएबल्स बनाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उस केस में ये पूरा लिखना पड़ता है यहाँ पे बार बार, जिससे कि कोडिंग को समझने में दिक्कतें आती. तो बेहतर है कि हम एक लोकल वेरिएबल बना के उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें. देखिए कोडिंग समझना कितना आसान हो गया. अब केस फर्स्ट क्या हो सकता है, बोथ ऑप्टेड एंड आंसर मैचेस.
अगर दोस्तों हमने जो ऑप्ट किया और जो आंसर है डेटाबेस में दोनों मैच हो गए तो उस केस में करेक्ट प्लस वन। केस सेकंड, या तो ऑप्टेड एम्प्टी हो या -99 हो, नॉट सीन। हम जानते हैं कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को नहीं देख पाया, नहीं आंसर किया, तो वो रॉन्ग में नहीं काउंट होगा, वो नॉट आंसर्ड में काउंट होगा। लेकिन अंतिम केस क्या बनता है? ऑप्टेड नॉट मैचेस विद आंसर, तो डेटाबेस में जो आंसर है वो ऑप्टेड से मैच नहीं हुआ, तो उसके इसमें रॉन्ग प्लस प्लस। अब यहाँ पे पोजीशन को प्लस वन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमने इनिशियली पोजीशन को जीरो रखा था, तो पोजीशन को प्लस वन करने का मतलब है नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की पोजीशन पे आ गए। अब जब लूप कंप्लीट हुआ तो हमने करेक्ट को भी शो कर दिया, रॉन्ग को भी शो कर दिया, नॉट आंसर को भी शो कर दिया। अब कई एग्जाम्स में कैलकुलेशन ऐसे परफॉर्म होती रिजल्ट की, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू 4 इंटू करेक्ट, हर करेक्ट पे हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, माइनस 1 इंटू रॉन्ग, तो हर गलत पे एक नंबर कट जाता है। तो हम चाहें तो ऐसा रिजल्ट भी शो कर सकते हैं। हालांकि रियल लाइफ में जब हम अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बेचेंगे तो क्लाइंट हमें बताएगा कि उसको क्या रिक्वायर्ड है या कैसी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। अब इसे फिर से रन किया जाए तो अब हम कुछ सही कुछ गलत आंसर करेंगे हमेशा की तरह, या पहले सबसे आंसर कर लेते हैं एक बार। तो हमें 224 मार्क्स मिल गए क्योंकि 6 इंटू 4 हो गया। अब क्योंकि रॉन्ग एक भी नहीं था तो इसलिए माइनस मार्किंग नहीं हुई। अब हम ऐसा करेंगे एक आंसर गलत देंगे, तो बाकी सब आंसर हम सही देंगे, एक आंसर को गलत कर देंगे, जिससे हम चेक कर पाए कि हमारे जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। हम अगले क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे तो सिस्टम अब देखिए हमें दिखा रहा है कि एक गलत आंसर है। तो 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 1, तो हमें 19 मार्क्स मिले हैं।